गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पिज्ज़ा बनाने के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, जिसके लिए मेरा जो ये बेस है ये मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। अगर आपको जानना है हम पिज़्ज़ा बेस कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी वे से, तो ये वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो है ये। पहले हमें चाहिए होगी प्याज, फिर हम लेंगे शिमला मिर्च, और ये मैंने ले रखी है शेज़वान चटनी। फिर हम लेंगे अपनी मोज़रेला चीज़, और ये मैंने काट रखी है पनीर, और ये है नमक, और ये है लाल मिर्च, क्योंकि हम घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम घर के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डो पे शेज़वान चटनी को डाल देंगे और फिर एक स्पून की मदद से उसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और शेज़वान चटनी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे अपने चीज़ को। तो हम अपने मोज़रेला चीज़ को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आपको इसका एक पूरे तरीके से लेयर बना देना है, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से यहाँ रख लीजिए और अच्छे धीरे धीरे आपको जहाँ जहाँ डालना है आप वहाँ वहाँ इसे डाल करके एक लेयर बना लीजिए। अब हम इस पर एक लेयर बनाएंगे जो कि हमारा लेयर होगा पनीर का। तो हम पनीर रख देंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों, मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने की दो रेसिपी बताती हूँ। पहला, अगर आप प्याज और अपने शिमला मिर्च को यूँ ही डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ उसे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि फ्राई करने से उनका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो हमने अपने नॉनस्टिक पैन में ऑयल डाल लिया है और ये ऑयल गर्म हो गया। हम इसमें अपने प्याज को ऐड कर देंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च और इसे हल्का सा भून लेंगे। आप इसमें और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बटर वाली ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं ऑयल की जगह। हमारी जो सब्जी थी अब हमने उसे फ्राई कर ली है। अब हम इसे टॉपिंग करेंगे अपने पिज़्ज़ा बेस पे। तो आप इसे अच्छे से फैला दें क्योंकि इसका भी हमें एक लेयर ही बनाना है। तो अब हमने इस पे सब्जियों की टॉपिंग कर ली है। अब हम अपने पिज़्ज़ा बेस पे नमक स्प्रेड कर देंगे और लाल मिर्च को भी स्प्रेड कर देंगे। और अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो आप और भी लाल मिर्च स्प्रेड कर सकते हैं। अब बचा हुआ जो हमारा चीज़ है उसे हम वापस एक बार और अपने पिज़्ज़ा बेस पे रख देंगे। और फिर ये था हमारा लास्ट स्टेप, अब हम इसे लेके जाएंगे बेक करने। तो दोस्तों, तब तक हमने अपने ओवन को प्री हीट करके रख लिया है। मैंने इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से हीट किया है और इसे 200 डिग्री पे रखा है। तो चलिए अब हम अपने पिज़्ज़े को इसमें ऐड करते हैं। मैंने बिल्कुल उसी तरीके से चार पिज़्ज़ा रेडी किया है। तो अब हम इसे ओवन में डाल देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ओवन में रख कर पकाएंगे। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा बेक करने के बाद हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। इसका जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसके जो सब्जियां हमने ऐड की थी वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।